नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा, दलित व गरीबों का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य बुधवार को राजगढ़ जिले की ब्यावरा शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस मुद्दों पर नहीं बल्कि भटकाव के दौरे से गुजरकर अपमान करने वाली घटनाओं तक आ गई है। अभी चार दिन पहले डबरा में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब मंच पर जाते हैं और पूछते हैं कि ये प्रत्याशी कौन है, तो लोगों ने कहा इमरती देवी, तो उन्होंने कहा क्या आइटम है। बड़ी बेशर्मी के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक व विधायक हंस रहे थे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए दलित समाज मजाक का विषय बन गया है। महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि मजाक का विषय उनके लिए बन गया है और कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक गरीबों व महिलाओं और दलितों का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र बन गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सूरज कैरो, उपाध्यक्ष गौतम टेंटवाल, भाजपा दिलवर यादव, मीडिया पर हर रवि बडोने आदि मौजूद थे। कहां गए वो सेकुलर लोग जो छोटी छोटी घटनाओं पर भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बना देते थे। आज एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला का अपमान हुआ, दलित का अपमान हुआ, इसके बाद न कांग्रेस माफ़ी मांग रही है, न वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं जो लोग आवाज़ उठाते थे। और यही नहीं किया है कांग्रेस ने, बल्कि कांग्रेस ने देश के साथ भी मजाक किया है। आप देख लीजिए कांग्रेस की सत्ता के समय कितना भ्रष्टाचार, कितना घोटाले हुए हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस देश को बचाने का काम किया है, 1,40,000 नकली एनजीओ पकड़े नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, फिर भी राहुल गांधी मोदी जी को छोड़ कहते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2,50,000 नकली कंपनियां पकड़ी गई जो अरबों रुपये डकारती थी हिंदुस्तान का, गरीबों का। 5 करोड़ गैस कनेक्शन फर्जी जो हुए थे उनको समाप्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। 4 करोड़ नकली राशन कार्ड जो बने थे उनको समाप्त नरेंद्र मोदी ने किया। 2 करोड़ मनरेगा के कार्ड फर्जी बने थे उसको नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया। 50,00,000 छात्रवृत्ति फर्जी ली जा रही थी स्कूलों में, 2 जगह 4 नाम जगह लिखा के, उसको समाप्त नरेंद्र मोदी ने किया। और 10,00,000 फर्जी नामों से शिक्षक बने थे उनको नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में इतना अरबों कर करोड़ों रुपए बचाया, जिसका परिणाम है कि हम गरीबों की सेवा कर पा रहे हैं। 9 महीने कहीं ना कहीं गरीब को मनरेगा की महामारी में उस तक अनाज फ्री पहुंचा पा रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश के गरीबों का सम्मान कर रहे हैं, दलितों का सम्मान कर रहे हैं, परेशान वंचितों का सम्मान कर रहे हैं, और एक तरफ कांग्रेस गरीबों का, वंचितों का, दलितों का, महिलाओं का अपमान करने पर उतारू है। मुझे लगता है बहुत भर्त्सना योग्य है, बहुत निंदनीय है, बहुत अपमानित घटना है। कांग्रेस के नेतृत्व को माफ़ी मांगना चाहिए और नहीं तो कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी से निकालना चाहिए कमलनाथ को। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता था। कल कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा कि गुना में घटना हुई, आपका क्या जवाब है? मैंने कहा गुना में अगर कोई घटना हुई, पुलिस के कर्मियों ने की, 5 लोगों को सस्पेंड किया, जांच के आदेश दिए, आईजी एसपी कलेक्टर को हटाया, लेकिन वहीं सागर में धन प्रसाद अहरवार को 35 लोगों ने जिंदा घर में जलाकर राख कर दिया था, तब ना TI हटा था, ना कांग्रेस के समय में IGSP हटे थे, ना कलेक्टर हटे थे। ये है भारतीय जनता पार्टी के, दलित पर अत्याचार होती है तो कलेक्टर पर भी गाज गिरती है, SP पे, IG पे भी गाज गिरती है, और कांग्रेस के समय में एक दलित को मट्टी का तेल जलाकर राख कर दिया जाता है तो ना TI हटता है, ना STO पे SP कलेक्टर हटता है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी है। तो क्या BJP निहायले जाएगी? मुझे लगता है बहुत सामाजिक संगठन अपने आप ही, दिल्ली के कुछ लोग SC आयोग में गए जिन्हें नोटिस 15 दिन का दे दिया है, यहाँ के DGP और मुख्य सचिव को इसका जवाब चाहिए। कुछ महिलाएं दिल्ली की अपने आप महिला आयोग में गई है जहाँ से नोटिस जारी हुआ है। बहुत सारे सामाजिक संगठन वो अपने आप कोर्ट में जा रहे हैं, FIR करा रहे हैं, क्योंकि हम इस तरफ बढ़े नहीं, इसलिए नहीं बढ़े कि लोग पहले ही कांग्रेस से कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है। हम चाहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं बने, ये चूंकि पूरे समाज का अपमान है, पूरे दलित समाज का, पूरी नारी जाति का अपमान है, इसलिए लोग अपने आप ही जा रहे हैं। खबर समय जगत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।